أمس رأيت شيء من سواه تيكو، بس استاهل سمعت. कुछ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी कोचिंग सेंटर यहाँ पे खुला है, हमारे परवेज सर ने खोला है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपको फैकल्टी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि मतलब कि यहाँ पे फैसिलिटीज होगी सब अवेलेबल होगी। जो हमारा सर है परवेज सर, उसके सुपरविजन के अंदर नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज द वर्ड वी हैव हर्ड दैट द वर्ड इटसेल्फ सेज एवरीथिंग इज अंडर द सुपरविजन ऑफ परवेज सर रहेगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, वो जो भी चाहेगा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रिंसिपल सर परवेज सर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस इलाके काजी आबाद में एक ऐसे कोचिंग सेंटर की इनकाद किया, एक ऐसा कोचिंग सेंटर शुरू किया जहाँ पे एक उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे इलाके के लिए, काजी आबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे इस इलाके में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि अगर कोई भी बच्चा हो, मतलब जिसको ये डर रहता है कि मैं अपने घर से नहीं, मतलब दूर नहीं जा सकता, मुझे अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं अपने मतलब माँ बाप के साथ रह के करूँगा, उसे दूर जाने, कहीं दूसरे शहर में जाने का डर रहता है, तो इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इलाके में ही और एक अच्छी, एक उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन हासिल कर सकता है। और मेरे ख्याल से जो ये परवेज सर, हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक कदम उठाए, ये बहुत ही अच्छा है। और इससे मैं ये समझती हूँ कि हमारे इलाके का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखता हो, मीनस के किसी भी स्टेटस का हो, वो एक अच्छी क्वालिटी का मतलब एजुकेशन हासिल कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट परवेज सर, द होल क्रेडिट गोज टू आवर मैग्नानिमस चेयरमैन परवेज सर, दैट हुज डेडिकेशन मेक्स इट पॉसिबल दैट आवर काजी आबाद इज गोइंग टू टच द हाईएस्ट नॉलेज, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द परवेज सर। परवेज सर की डेडिकेशन, परवेज सर की कीन क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, जैसे कि परवेज सर यानी हमारा GPS चला रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर परवेज सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर मेहनत करके हम जैसे बच्चे, यानी जो कि आज कुछ मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रख सकते हैं या किसी अपनी सोसाइटी के सामने कुछ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पूछा सकते हैं, दिस ओनली बिकॉज ऑफ परवेज सर। और उन्हीं परवेज सर की मेहनत से आज हमारा ये कोचिंग सेंटर इसके इनॉग्रल सेरेमनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड आई प्रे टुवर्ड्स अलमाइटी अल्लाह की यानी मेक दिस एकेडमी टू टच द हाईएस्ट। बात करें अपने स्कूल ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल के, हम परवेज सर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, लेकिन फिर जब हम 11th क्लास ज्वाइन करते थे, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स मतलब कोचिंग सेंटर में जाते थे, वहाँ पर हमें परवेज सर की नज़र नहीं रहती थी, जिसकी वजह से हम स्टडी कर पाते थे लेकिन हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। यस सर, हम इससे पहले हमें परवेज सर की जब नज़र रहेगी, इसकी वजह से हम बहुत आगे मतलब बढ़ सकते हैं। हम सर अगर हम उनकी बात करें तो उनको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो स्टडी भी कर पाते हैं लेकिन उनको टाइम वेस्ट होगा, जो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि अगर हम इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को तैयार कर रहे थे 10वीं तक, 10वीं के बाद जब वो 11th 12th के लिए कोचिंग करने के लिए जाते थे श्रीनगर या दूसरी सिटीज़ में, सोपोर, बारामूला, हंदवारा या किसी भी दूसरी जगह, देवर ओवरवेलमड विद द न्यू एटमोसफियर, विद द न्यू फ्रीडम, और इस तरह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हमें क्या करना चाहते थे, वो भूल जाते थे, अपने मिशन को भूल जाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि हम एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे कि सो दैट दे विल गेट एजुकेशन एट देयर डोर स्टेप। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अफोर्डेबल फ़ी, मुझे लगता है कि फ़ी हमारा थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि एफर्ट करने चाहिए पेरेंट, कोई बिजनेस मोटो नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि एक अच्छा एटमोसफियर, खास गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एटमोसफियर होगा, दे विल फील गुड अंडर माई सुपरविजन, नज़र रहेगी, पेरेंटल केयर रहेगा, और हम इन टच रहेंगे विद पेरेंट्स, पेरेंट्स की नज़र रहनी चाहिए बच्चों पर। और मैं उन वालदिन को ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों को भेज देते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनको उन पर नज़र नहीं रहती है, आई थिंक दे आर गोइंग टू स्पॉइल देयर स्टूडेंट्स, और वो दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टिंग द मार्केट्स,
दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम विद अदर एक्टिविटीज़ के एजुकेशन, कम से कम हमें एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए. एजुकेशन शुड रिमेन फ्री फ्रॉम बिजनेस. इसको बिजनेस का नाम मत दो. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन वायर एट लीस्ट 250 स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्री एजुकेशन. और यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर में मैंने ऐलानिया बोल दिया कि ऑल ऑर्फन स्टूडेंट्स ऑफ गाज़ियाबाद कैन गेट फ्री एजुकेशन फ्राम दिस रॉयल अकाडमी. सो इसमें कोई शक नहीं, कोई बिजनेस नहीं है इस तरह कोई. मेरा मकसद यह है कि आई वॉन्ट टू सी माई वेसिटी, माई गाज़ियाबाद फुल ऑफ डॉक्टर्स, फुल ऑफ इंजीनियर्स. और जो हम 10वीं तक उनको तैयार करते थे, 10वीं के बाद भी इन पर नज़र रहें. जो इम्पोर्टेंट सवाल है इनके लिए, इम्पॉर्टेंट ईयर्स 11, 12th या नीट का साल, 2-3 साल इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. इन पर ये टीन एज में होते हैं ये बच्चे, इन पर ज़्यादा नज़र की ज़रूरत है. इन पर नज़र रहनी चाहिए, ज़्यादा ये ज़रूरी है.